हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक प्राइस बाबा से और ये है असूस ज़ेनफोन 6। और इसकी खास बात है इसका फ्लिप कैमरा। ये कुछ इस तरह से फ्लिप होता है और प्राइमरी कैमरा ही फ्रंट कैमरा में बदल जाता है। ये जो मॉड्यूल है ये 48+13 मेगापिक्सल का है और इसमें सेफ्टी के लिए 7 प्रो जैसा ही फीचर मिलेगा, यानी कि हाथ से छूटते से ही जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा। इसमें एक फीचर और है कि ये मोशन को फॉलो करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जब भी मूव करेगा तो ये उसे फॉलो करने लग जाएगा या उसके साथ साथ उसे फॉलो करेगा। तो इसका कैमरा काफ़ी लोडेड है, इमेज क्वालिटी भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लेज़र ऑटो फोकस है, EIS भी आपको मिल जाएगा एंड कुछ इस तरह से आप इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं या बोले कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसको जिस पॉइंट पर रोकना है उसको इस तरीके से आप इसे कंट्रोल करेंगे। इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और जो मैं आपको मोशन ट्रैकिंग वाला एक ऑप्शन बता रहा था वो इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। कैमरा की बात तो हो गई, तो बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की और स्पेसिफिकेशंस की। तो फ़ोन दिखने में तो बहुत सही है। आपको फ्रंट में मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस बेजललेस डिस्प्ले, जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्मूथी दिख रही है। जो इसकी फ्रेम है वो मेटल की है और बैक में आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ग्लास बैक पैनल है इसका। ये इसका कैमरा मॉड्यूल है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर था। नीचे आपको USB टाइप सी 3.5mm जैक और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। राइट स्पाइन पर ये जो ब्लू कलर का है ये पावर बटन है। इसका वॉल्यूम रॉकर भी यही है और ये स्मार्ट की है जिससे आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे स्क्रीनशॉट लेना या किसी को फ़ोन लगाना, हो सकता है कुछ और भी फीचर्स हों। और ऊपर की तरफ आपको एक कैमरा मॉड्यूल का जो कटआउट है वो मिलेगा और यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन जो सेकेंडरी माइक्रोफोन होता है वो है। ओवरऑल इसका जो इन एंड फील है वो भी काफ़ी डिसेंट है। इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का सबसे तगड़ा प्रोसेसर, यानी कि 855, और ये 3 वेरिएंट्स में आता है। 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम, 256GB स्टोरेज। एंड जब ये फ़ोन आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा हैवी लगे, क्योंकि इसमें मिलती है 5000mAh की बैटरी। तो बैटरी बैकअप की तो कोई चिंता रहेगी नहीं। सॉफ्टवेयर वाइज इसमें आपको ZenUI मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड 9 यानी कि पाई के साथ है। तो ओवरऑल काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ोन लग रहा है। इसकी प्राइस पता नहीं, अभी कंपनी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। इंडिया में लॉन्च कब होगा ये भी नहीं बताया है। तो ओवरऑल फ़ोन तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी लोडेड है। आपका क्या सोचना है फ़ोन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। दिस इज प्रतीक फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।